हिमालय की दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसे ईश्वर का उपहार माना जाता है। हिमालय की बर्फ से लदी चोटियाँ, सफ़ेद और नीले पानी की नदियाँ और सुंदर घाटियाँ मन को जैसे मोह लेती हैं। ऐसी ही एक सुंदर घाटी को विजिट करने के लिए इस साल जून में मैं और मेरा भांजा प्रिंस पहुंच चुके थे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एक सुंदर से हिल स्टेशन चोपता में। देखिए, सूर्योदय का टाइम था और हम अपने रूम के सामने बने एक छोटे से मंदिर से हिमालय पे पड़ती सूरज की किरणों को देख रहे थे। ये मुख्य केदारनाथ की पीक है। फ्रेंड्स, चोपता विश्व के सबसे ऊंचे शिव टेंपल तुंगनाथ के लिए बेस कैंप का कार्य करता है। तुंगनाथ भगवान शिव के पंच केदारों में से सबसे ऊंचा केदार है और यहां से केदारनाथ जी का टेंपल भी पास ही पड़ता है। ये सामने हमारा कॉटेज है। देखिए फ्रेंड्स, ये दुगलबिट्टा जगह पड़ती है चोपता में और यहाँ द मेडोज के शानदार टेंट्स आप देख सकते हैं। सूर्योदय लगभग हो चुका था। और फिर से देखिए हिमालय का नजारा। और फिर पास के ही एक ढाबे में मैंने और प्रिंस ने नाश्ता किया, क्योंकि आज हमने तुंगनाथ जी के ट्रैक पे भी निकलना था। और इस तरह नाश्ता करके हम मेन चोपता के लिए चल पड़े, जहां से हमने तुंगनाथ जी का 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करना था और सामने हिमालय की केदार रेंज का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स, ये सारा एरिया केदारनाथ वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये शुरू हो चुका है मेन चोपता हिल स्टेशन का एरिया। और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करके तुंगनाथ जी के लिए अपना 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पीछे हमारे साथ एक घटना हो गई थी। हम पीछे फोटोज़ खिंचवा रहे थे रोड पे और मेरा मोबाइल मैं वहीं छोड़ आया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मेरा मोबाइल नहीं मिला, सो आगे का ट्रैक मुझे बगैर मेरे मोबाइल के ही करना पड़ रहा है और मेरा मन कुछ सैड भी हो गया था। देखिए, सामने दिख रही थी चोखंबा पीक। और ऊपर घोड़े वाले आप देख सकते हैं। यस, ये कुछ एक शॉप्स आ गई। रिफ्रेशमेंट के शॉर्टकट ले रहे हैं। पीछे पीक्स दिख रही हैं आपको तुंगनाथ के लिए। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट पे जा रहे हैं। और ट्रैक चलता जा रहा था और घोड़ों के गलों में घुंघरुओं की आवाज कानों को बड़ी अच्छी लग रही थी। देखिए, फिर से चोखंबा पीक विजिबल होते हुए। और यहाँ ओल्ड फिल्म का बड़ा प्यारा सा सॉन्ग चल रहा था। भैया वस्ता भैया।
देखिए कैसे घोड़े वाले छोटे छोटे बच्चों को लेके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में आपको जगह जगह खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी। 1.5 किलोमीटर चल गए हैं यहाँ पर लोग रेस्ट करते हुए, और ये देखिए रिफ्रेशमेंट के लिए बीच में टी स्टॉल है। कुछ लेना है क्या? अब हम सीधा ही चलते हैं। और इस प्रकार फ्रेंड्स लोगों के साथ हम भी तुंगनाथ का ट्रैक चढ़ते जा रहे थे, और लगभग हाफ आने वाला था, हाफ दूरी हम तय कर चुके थे। देखिए माइटी चोखंबा पीक, और हिमालय भी बार बार हमारे साथ लुका छिपी कर रहा था, और हम उसका दृश्य देख देख कर आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग आधी दूरी से ज़्यादा हम तय कर चुके हैं, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि माता सती के साथ स्थान है, ऐसे भगवान शिव के 5 केदार माने जाते हैं। एक तुंगनाथ जो कि ये है 12,000 फुट की ऊंचाई पे, एक रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर और केदारनाथ। केदारनाथ आप जानते हैं, और इन 5 केदारों में से ये जो तुंगनाथ है ये सबसे ऊंचा है 12,000 फुट पे, केदारनाथ 11.5। इसको दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी बोलते हैं, सबसे ऊंचा केदार है। चंद्रशिला पीक वो है जो 13.5-14,000 फुट की हाइट पे है, वहाँ पर चंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। ये ड्रीमलैंड है, बिल्कुल ड्रीमलैंड। सो तुंगनाथ की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वाह व्हाट अ ब्यूटी, तुंगनाथ का ये रास्ता, ये वैली ऑफ पैराडाइज है। परियों की कथाएं यहाँ पर फैली पड़ी हैं। ताऊ ये चंद्रशिला की तरफ बढ़ता हुआ। अब यहाँ से तुंगनाथ जी और चंद्रशिला पीक लगभग क्लियर विजिबल होने लगी थी। देखिए वहाँ को चंद्रशिला है, और प्रिंस और मैं खूब इंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स चौपता से लेकर तुंगनाथ का जो 3 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी ये खासियत है कि इसमें आपको रास्ते में पैनोरामिक व्यू दिखता है हिमालय का, सो आपको पता नहीं चलता कब तुंगनाथ आ गया। और फिर हम यहाँ एक कैंटीन पे चाय पीने के लिए रुक गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हिमालय का विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है। देखिए कितना रहस्यमयी है ये हिमालय, चोखंबा पीक 23,000 फुट से ऊपर, 7,138 मीटर, बादल मिले हुए हैं और बर्फ का घर। कई कथाएं हिमालय के बारे में हमें सुनी जाती हैं, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ परियां रात को नृत्य करती हों, यक्ष और गंधर्व यहाँ पर वास करते हैं। सो स्पिरिचुअल, ये जानुकुट है, और जानुकुट के लेफ्ट हैंड साइड में मंदिनी पर्वत है। देखिए बर्फ जमी हुई भी है यहाँ पर, बिल्कुल क्लोजअप व्यू दिखा रहे हैं। चोखंबा की टिप। सो मिस्टिक। तुंगनाथ आ चुका है, देखिए सामने मंदिर, यहाँ लोग पानी पी रहे हैं और मुंह धो रहे हैं। इस साइड में दुकानें, छोटी छोटी कैंटीन, चाय कॉफी और मैगी के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स हम तुंगनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए लास्ट दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ के मंदिर, तुंगनाथ जी का मंदिर, हाईएस्ट केदार एट द हाइट ऑफ 12,000 फीट अबव सी लेवल। मेन एंट्रेंस में देखिए उन्होंने टल्ली बजाई है, केदारनाथ का मेन मंदिर है, सबसे ऊंचा केदार है। नहीं वो जा रहे हैं लोग लेके।
तुंगनाथ का मंदिर आ चुका है। और इस तरह दोस्तों तुंगनाथ में 10 मिनट ठहरने के बाद हम चंद्रशिला की ओर चल पड़े। चलिए अब हम निकलते हैं चंद्रशिला के लिए। देखिए चंद्रशिला के लिए हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स तुंगनाथ से चंद्रशिला का 1 या 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये छोटा रास्ता चंद्रशिला को जा रहा है, लगभग वहां पर है चंद्रशिला। कुछ लोग ऊपर आराम करते हुए, यहाँ के बारे में ये एक कथा है कि यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल या वैसे कपल नहीं जा सकते। ऐसी थी चढ़ाई, कुछ ट्रैकर्स आ रहे हैं 14,000 फुट, मून टेंपल चंद्रशिला का, ये देखिए। और नीचे का दृश्य काफी बढ़िया था, नीचे काफी गहरी खाई थी, बहुत ब्यूटी है यहाँ पर, बिल्कुल शांति, ऐसे लगता है जैसे 100 साल पहले पहुंचे। यहाँ दुनिया का कोई भी लेना देना नहीं है। वापिस चल पड़ूंगा, अगर मेरा यहाँ पे मोबाइल मिल जाए तो मैं वापिस चल पड़ूंगा। और फ्रेंड्स पूरी जर्नी में अभी भी मुझे अपना खोया हुआ मोबाइल भूला नहीं था। दोस्तों फिर से आपको ज्वाइन करा है, सांस चढ़ रहा है क्योंकि जितनी हाइट पे जाते हैं 12,000 से ऊपर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जितनी हाइट पे चंद्रशिला है लगभग 14,000 फुट, 13,500 फुट, इतने पे ही एवरेस्ट का बेस कैंप है। ट्रैकर्स की एवरेस्ट, एवरेस्ट के बेस कैंप जितनी चढ़ाई पे हम जा रहे हैं। इट्स चैलेंजिंग, वी आर नाउ एट चंद्रशिला टॉप एट द हाइट ऑफ 30,500 फीट और अबव 14,000 फीट चंद्रशिला टॉप। यस, ट्रैकर्स का एवरेस्ट, और चंद्रशिला पीक जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पे है उस पर हम पहुंच चुके थे। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा था और बादलों के बीच हिमालय की चोटियों का व्यू बहुत सुंदर नजर आ रहा था। नीचे चोपता और मंडल वैलीज का व्यू नजर आ रहा है। और फिर हम भी यहां काफी देर बैठे। चंद्रशिला टॉप 14,000 फुट, 13,500 फुट, पीछे आपको दिखाया था चंद्र देवता का टेंपल, हिमालय के बीच और लगभग रूफ ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट्स माय ड्रीम डेस्टिनेशन, हाथ ग्रैब कर, चेक इट। और अब हम जाएंगे टुडे, यस नीचे जाएंगे मंडल, और अभी आपको पीक्स भी दिखाते हैं लेकिन थोड़ा ओवरकास्ट हो गया। और यहां अब ओवरकास्ट भी हो चुका था और हमें अब नीचे चोपता की तरफ भी जाना था। और फिर हमने नीचे की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर दी। ये है चोपता से मंडल का रास्ता। आज रात हमने नीचे मंडल विलेज में स्टे करना था। मंडल यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स ये पूरा रास्ता केदारनाथ वाइल्डलाइफ सेंचुरी में से होकर जाता है और पिछली बार हमें यहीं पे कस्तूरी मृग और जंगली सुअर भी मिला था। और देखिए यहाँ रात हो चुकी थी और हम घनघोर जंगल में से होकर जा रहे थे।
फाइनली फ्रेंड्स हम मंडल पहुंच चुके थे और ये केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पर बाल गंगा नदी के किनारे पर बसा एक बड़ा ही सुंदर गांव है। और फ्रेंड्स हमने यहां साथ में ही सेमवल गेस्ट हाउस में 600 रुपए का रूम ले लिया और यहां हम पास में ही एक ढाबे में खाना खाने के लिए आ गए। और फिर फ्रेंड्स यहां एक चमत्कार हो गया, जो फ़ोन हम चौपता में भूल आए थे वो एक साधु बाबा ने हमें यहां आकर दे दिया। इस खुशी में मैं काफ़ी देर तक इस ढाबे पे बैठा रहा। वैसे भी इस ढाबे से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। रात हम मंडल रुके थे दोस्तों, ये वो गांव है गढ़वाल की, बड़ी बड़ी चोटियों, बड़े बड़े पहाड़ों और घनी वादियों के बीच। ये देखिए बाल गंगा के किनारे एक छोटी सी नदी बाल गंगा, शोर सुन रहा होगा आपको। और हम सेमवल गेस्ट हाउस में रुके हैं, यहाँ के साथ बहुत बड़ी यादें हैं हमारी। 5 साल पहले सेम इसी गेस्ट हाउस में रुके थे। ये हमारा कमरा, ये हमें 600 रुपये में मिल गया है और पिछली बार हमारा कमरा ये था, साफ सुथरा गेस्ट हाउस है ये। और यहाँ चीकू और लीची के पेड़ लगे हुए हैं, वही हिमानवी आ रही है। फ्रेंड्स मंडल में पूरे उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मंडल को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं नदी का शोर और यहाँ के खाली रास्ते। चार धाम रूट पर पड़ता ये मंडल एक छोटा सा गांव, अभी इसकी हम आपको सैर करवाते हैं। नीचे एक सहायक नदी जा रही है गंगा की, बल्कि उपसहायक नदी बाल गंगा, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स कितना सफ़ेद पानी है इस नदी का, बाल गंगा का। ये आगे जाके अलकनंदा में मिलती है और गंगा नदी तंत्र भी बनाती है, छोटा सा स्ट्रीम है एक ये। और यहाँ पर अनसुईया देवी की एक यात्रा है, वो भी स्टार्ट होती है, मंडल विलेज से ही जाता है वो रास्ता। और आप देख सकते हैं कल कल करती हुई बाल गंगा रिवर। फ्रेंड्स नीचे से बाल गंगा रिवर आ रही है, जो आगे मंदाकिनी में मिल जाती है। ये छोटा सा ब्रिज देखिए, पीसफुल गांव है, आसपास आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया दिख रहा है नदी के साथों साथ बिल्कुल, और ज़बरदस्त यहाँ पर सीनिक ब्यूटी है। इस तरह फ्रेंड्स गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस सुंदर से गांव मंडल को अलविदा कहने का टाइम आ गया था। आज आगे हमने एक और सुंदर सी वैली नंदाकिनी वैली को देखने जाना था, इसलिए हम मंडल से नंदप्रयाग के लिए आगे चल पड़े। अभी ये मंडल गांव ही चल रहा था, आगे वही शिव मंदिर पड़ता है जहां वो साधु बाबा ठहरे हुए थे जिन्होंने हमें हमारा मोबाइल दिया था रात। फ्रेंड्स वो साधु बाबा चार धाम की यात्रा पर निकले हुए थे, ये भी एक करिश्मा ही था कि चोपता में जिस जगह हम वहां फ़ोन भूल गए थे वहीं से गुजरते हुए साधु बाबा ने वो फ़ोन देखा और चोपता से मंडल केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घनघोर जंगल से होते हुए रात को पैदल चलते हुए मंडल में हमसे संपर्क साधा और हमें वो फ़ोन दिया। हम साधु बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। देखिए यहाँ से इन ऊंचे पहाड़ों के दूसरी ओर बद्रीनाथ पड़ता है।
फ्रेंड्स अभी गोपेश्वर आ चुका था। गोपेश्वर समुद्र तल से 5090 फुट की ऊंचाई पर बसा है, जो कि भगवान शिव के प्रसिद्ध गोपीनाथ टेंपल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स अब हमने नंदप्रयाग के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी। नंदप्रयाग आ चुका था और अब हमने नंदप्रयाग से घाट के लिए नंदाकिनी नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर का सुहावना सफर शुरू कर दिया था। टेरेस्ट फील्ड्स, देखिए लोगों ने खेती की हुई है। और फिर रास्ते में हमें ग्लेशियर का पानी देखने को मिला। और ये देखिए हिमालय का पानी कैसे आ रहा है। दोस्तों ये जो आप पानी का चैनल देख रहे हैं ना, ये पीछे से हिमालय का जो बर्फ़ का पानी पिघल पिघल के आता है उसको इन्होंने चैनलाइज्ड किया है और इससे ये खेती करते हैं। यहाँ पर ये मोस्ट ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ उत्तराखंड या इंडिया का बोल रहे हैं। यहाँ काफ़ी ग्लेशियर्स हैं, जैसे आपको बताया कि जो ये नंदाकिनी नदी है ये खुद एक ग्लेशियर से निकलती है, सो यहाँ ग्लेशियर वाटर की कमी नहीं है। सुपर। देखिए यहाँ जगह जगह ग्लेशियर के पानी को चैनलाइज्ड किया गया है। फ्रेंड्स ये नंदाकिनी वैली है जिसमें से नंदाकिनी रिवर बहती है। नंदाकिनी नदी नंदा घुंटी चोटी के पास एक ग्लेशियर से निकलती है। फ्रेंड्स आगे घाट के पास रामिनी जैसे सुंदर विलेजेस के लिए ट्रैक भी जाते हैं, जहाँ का वातावरण काफ़ी मनोरम है। पाइन के पेड़ों के बीच में थी और ये रास्ता घाट को कंटिन्यू होता हुआ। उसके पास एक ग्लेशियर पड़ता है, उसके ग्लेशियर की जड़ में से ये नदी निकल के आती है और आगे गंगा नदी तंत्र बनाती है। लुक एट द ब्यूटी, नंदाकिनी नदी, पीसफुल एज इट्स नेम। नंदाकिनी रिवर का पानी इस जून के मंथ में भी काफ़ी ठंडा था, क्योंकि ये सीधा ग्लेशियर का पानी आ रहा है। घाट की तरफ आगे बढ़ चले थे नंदाकिनी नदी में नहाने के बाद। काफ़ी ठंडी नदी थी क्योंकि हिमालय की ग्लेशियर से आती है। ये आ चुका है घाट नंदाकिनी नदी के किनारे, नंदप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर। और यहाँ हम कुछ एक दिन यहाँ के लोकल दुकानदार से बातचीत करने के बाद हम वापस बद्रीनाथ हाईवे की तरफ चल पड़े। देखिए ये चार धाम जो प्रोजेक्ट है ऑल वेदर रोड का यूज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें कितनी टूटी हुई हैं, चारों तरफ धूल धूल है। देखिए अलकनंदा बड़ी तेज, बड़ा तेज शोर करती हुई। अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी के कन्फ्लुएंस पे बना है। और पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से आती है कुमाऊं में, बड़ा सुंदर ग्लेशियर है। पीछे जंगलों में बड़ी भयंकर आग लगी हुई है। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कैमरामैन घुमाएंगे, ये पिंडर नदी है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और सामने संगम हो रहा है। और यहाँ पर
आप देख सकते हैं बद्रीनाथ हाईवे आ चुका है, यहाँ चार धाम का प्रोजेक्ट अभी पहुँचा नहीं है, साइड में चल रहा है। सो रोड बढ़िया, आप देख सकते हैं जून का मंथ होने करके यहाँ जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है, काफ़ी जंगलों और जीव जंतुओं की हानि हो चुकी है, बेचारे काफ़ी जीव जंतु जल गए थे इस आग में, अभी दिखाएंगे आपको। ये हर बार आप देखते होंगे पहाड़ी एरिया में आग लग जाती है, और बद्रीनाथ भी इस बार आग काफ़ी पहुँच रही थी, ये देखिए। अब हम धीरे धीरे रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ की तरफ से आती है और अलकनंदा का संगम स्थल है। और इस तरह रात को हम ऋषिकेश के पास ब्यासी में रुक गए थे। ये है ब्यासी के पास गंगा नदी का सुंदर व्यू। और फिर राजा जी नेशनल पार्क से होकर हम देहरादून की तरफ बढ़ चले। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ देहरादून हरिद्वार और ऋषिकेश के एरिया में आपको जगह जगह बरसाती नदियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए अब आ चुका था मिर्जापुर का एरिया, जो अपने आम के बगीचों के लिए काफ़ी फेमस है। सो फ्रेंड्स, हिमालय का ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा। हम भी इन सुंदर सुंदर रास्तों से होकर शाम को अपने होम टाउन कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे। ये था फ्रेंड्स उत्तराखंड हिमालयस पे हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रब रखा।